नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जसपुर के ठाकुर द्वारा मार्ग पर ओवरटेक करने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलटा, कार में सवार 3 युवकों की मौत। सितारगंज में मूसलाधार बारिश के चलते कृषि मंडी हुई जलमग्न, 2 फीट तक जमा हुआ पानी। बद्रीनाथ धाम में होने लगा है मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी का असर। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में बारिश होने से देवनगरी का गिरा तापमान। धारचूला में 1ली से 12वीं कक्षा तक बंद हो रहे स्कूल, पिथौरागढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जारी किए निर्देश। लालकुआ में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कुमाऊं की सबसे बड़ी गौला नदी उफान पर, किसानों की जमीन की कटान हुई शुरू। धारचूला में मौसम के बदले मिजाज का दिखा असर, तहसील के उच्च हिमालयी क्षेत्र दारमा वैली में हुई भारी बर्फबारी। जसपुर में भारी बारिश से खुली नगर पालिका की पोल, शहर में पानी की निकासी न होने की वजह से कई जगह हुआ जलभराव। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड में लगातार दौरे तय किए जाने पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने किया कटाक्ष, कहा खुद प्रधानमंत्री यहां पर आकर डेरा डाल लें तो भी इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी देहरादून के सचिवालय में प्रदेश की स्थितियों का जायजा लेने के लिए आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा 4 धाम यात्रा पर पूरी तरह से लगा दी है रोक। डोईवाला में रेल रोको आंदोलन के तहत किसानों ने ट्रेन रोकने की करी कोशिश, भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से ट्रेन तक नहीं पहुंच सके किसान। रुड़की में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बयान पर पत्रकारों में जागा रोष, प्रेस क्लब में पत्रकारों ने किया कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का पुतला दहन। आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने साधा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना, कहा सीएम रहते आखिर क्यों नहीं याद आए बेरोजगार। चंदौली में मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतरा, हावड़ा डाउन लाइन हुई बाधित। शाहजहांपुर में कचहरी के ACJM ऑफिस में वकील की गोली मारकर हत्या, आरोपी तमंचा छोड़कर हुआ फरार। भाजपा प्रत्याशी नितिन अग्रवाल बने नए विधानसभा उपाध्यक्ष, सपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह वर्मा को हराया। बागपत में किसानों ने कब्जाए रेलवे ट्रैक, पश्चिमी यूपी में रेलों का चक्का जाम। मेरठ में छात्रों की फीस के 50 लाख रुपए ले उड़ा MPS का क्लर्क, अभिभावकों को स्कूल ने भेजे नोटिस तो खुला मामला। पश्चिमी यूपी में बारिश के बावजूद रेल रोकने पहुंचे किसान, पुलिस बल हुई तैनात। लखनऊ में बांग्लादेशी डकैतों का सरगना ढेर, 3 पुलिसकर्मियों को लगी गोली। और लॉकडाउन में जन्मा बाल लेखक अभियान शुक्ला, महज 11 साल की उम्र में लॉकडाउन में हुए अनुभवों पर लिख डाली 1.5 ईयर किताब। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।